ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में, जो था करंट के बारे में, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम केसीएल भी बोलते हैं, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमें बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी नोड या किसी भी जंक्शन से पास होने वाली सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। हम एक डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी एक नोड या कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इससे कोई करंट आउटगोइंग फ्लो हो रही है I1, ठीक है, एक करंट है जो I2 आउटगोइंग फ्लो हो रही है, इस पे एक करंट अराइव हो रही है I3, मान लीजिए कोई करंट I4 फ्लो हो रही है आउटगोइंग, और कोई एक करंट I5 इस पे अराइव हो रही है I5। तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पे पास होने वाली सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। यहाँ से हम कैसे क्या, हम आउटगोइंग या इनकमिंग में से किसी भी एक को पॉजिटिव मान सकते हैं और दूसरे को नेगेटिव मान सकते हैं। तो यहाँ हम आउटगोइंग को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए डायग्राम से, I1 क्या है, आउटगोइंग है, तो इनका एल्जेब्रिक सम लेना है हमें, तो I1। और I2 आउटगोइंग करंट है तो प्लस I2। I3 देखिए, I3 इनकमिंग है तो हम एल्जेब्रिक सम के हिसाब से इसको नेगेटिव ले रहे हैं I3। फिर I4 आउटगोइंग करंट है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे I4। और I5 इनकमिंग करंट है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे I5। और इन सब का जो समेशन होगा वो होगा जीरो, ठीक है। नेगेटिव वाले टर्म्स को हम उधर भेज देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलता है, I1 प्लस I2 प्लस I4, ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा I3 प्लस I5 के। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि I1, I2 और I4 जो है, ये तीनों आउटगोइंग करंट है इस नोड से, ठीक है। और जो I3 और I5 है वो इस नोड पे अराइव होने वाली या फिर इन पे इनकमिंग करंट है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल करंट आउटगोइंग है, आउटगोइंग टोटल करंट है, आउटगोइंग करंट का समेशन वो इक्वल होगा समेशन ऑफ आई इनकमिंग के, मतलब जो कि इस जंक्शन पे अराइव हो रही है उन सभी करंट्स के सम के इक्वल होगा। तो ये है किरचॉफ्स का करंट लॉ, ठीक है। तो इसका हम एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, बेसिक एप्लीकेशन। तो इसका हम अभी एक एप्लीकेशन देखते हैं कि हम इसको सर्किट में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे उस सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे करंट या वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई दो पॉइंट है, इसके बीच में यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा है। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है R1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो V2 है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है R2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बीच में कोई नोड या कोई जंक्शन, कोई पॉइंट है जिसपे हमें, जिसका हमें पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए कोई ए पॉइंट है ये हमारे पास, ठीक है, और पहले हम इस पॉइंट का पोटेंशियल अज्यूम करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है V0, ठीक है। तो अभी हम अज्यूम किरचॉफ्स लॉ हम यहाँ कैसे लगा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ इधर करंट फ्लो हो रही है I1, और इस तरफ करंट फ्लो हो रही है I2, हम कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं आउटगोइंग और इनकमिंग, ठीक है। तो यहाँ इस नोड पे किरचॉफ का लॉ लगाना है कैसे, देखिए जो I1 है आउटगोइंग है प्लस पॉजिटिव होगी, I2 है आउटगोइंग है पॉजिटिव ले लीजिए, तो इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए I बेसिकली क्या होता है, हम सब जानते हैं ओम्स लॉ, I प्रोपोर्शनल होता है किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के, और जो कांस्टेंट आता है हम सब जानते ही हैं। तो I को हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R। कोई भी दो पॉइंट मान लीजिए जिनका पोटेंशियल V1 और V2 है, उन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा R, तो वहां से हम करंट कैसे निकालते हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई इन दोनों पॉइंट के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो, ठीक। तो यहां से हम I1 और I2 को क्या लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं हम इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन डिवाइड बाय इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है, तो V0 माइनस V1 डिवाइड बाय R प्लस सेम I2 को क्या लिख सकते हैं, V0 माइनस V2 डिवाइड बाय R।
ठीक है, सॉरी आर वन और ये आर टू, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग जो रेजिस्टेंस है। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं फर्दर, तो देखते हैं, वी नॉट वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि हमें वी नॉट जो अज्यूम किया था उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से क्या जाएगा, वी नॉट वाले टर्म्स को अलग करते हैं, वन माइनस वन डिवाइड बाई आर वन प्लस वन डिवाइड बाई आर टू, ये माइनस वाले टर्म्स क्या है, वी वन डिवाइड बाई आर वन प्लस वी टू डिवाइड बाई आर टू, ये आएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से हम ये वाले टर्म उधर भेजते हैं इक्वल के, तो आएगा वी वन डिवाइड बाई आर वन प्लस वी टू डिवाइड बाई आर टू, ठीक है, और ये जो इसके मल्टीप्लाई में है वी नोट के, ये वाले टर्म इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। इस तरीके से हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये हमारा एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल था। तो ये था हमारा किरचॉफ का करंट लॉ।